तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टीजा एडवाइस। तो दोस्तों, वीवो ने जैसे कि पिछली बार अनाउंस किया था कि जो कि उसका आने वाला अगला जो मोबाइल होगा वो अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, तो जो कि X20 हो सकता है, ऐसी न्यूज़ आई। लेकिन मेरे अपने से वो V8 होगा, वो क्यों होगा और कैसे होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए शुरू। तो दोस्तों, जो कि वीवो V8 है वो बहुत ही अच्छे सारे स्पेसिफिकेशन के साथ मिलता है, और जो कि वीवो X9 है जो कि वीवो चाइना में लॉन्च नहीं करेगा क्योंकि उसमें V8 से भी ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन है। और वीवो उसके जो कि अच्छी मोबाइल है वो ओनली चाइना में लॉन्च करता है, इंडिया में कभी लॉन्च नहीं करता। वीवो ने ओनली सिर्फ इंडिया में उसकी वी सीरीज़ और वाई सीरीज लॉन्च किए, तो जो कि V8 है उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो ओप्पो ने जैसे कि उसका 6 GB रैम वाला मोबाइल इंडिया में लॉन्च किया था, वैसे ही वीवो जो कि उसका ये V8 होगा तो वो इंडिया में लॉन्च करेगा जो कि अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और उसमें अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ उसमें 6 GB की रैम होगी और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। और उसी के साथ ये मोबाइल वाटरप्रूफ होगा, जिसके कारण कि अगर हमारा मोबाइल पानी में भी चला गया तो पानी से बच के रहेगा, ऐसा ये मोबाइल होगा। और इसके साथ हमें फेस अनलॉक का फीचर भी मिलेगा, और इसमें हमें बहुत सारे ज़्यादा और एक्स्ट्रा अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे, इसलिए वीवो V8 के साथ ये मोबाइल इंडिया में लॉन्च करेगा। दोस्तों, आपने तो मोबाइल में जान लिया कि वीवो V8 क्यों इंडिया में लॉन्च करेगा, तो मैं अब बताऊंगा आपको इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस और लीक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस मोबाइल में आपको 6 GB की रैम मिलेगी प्लस 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। तो आपको इसमें एंड्रॉयड का जो कि वर्जन है, जो कि एंड्रॉयड नोगट 7.0, वो आपको इसमें मिलेगा। और इसी के साथ आपको मीडियाटेक का 6757 जो कि प्रोसेसर है वो मिलेगा, जो कि कुछ इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन वीवो 6 GB की रैम दे रहा है। और उसी के साथ आपको जो कि फिंगरप्रिंट स्पीड होगी 0.2 सेकेंड होगी, और उसी के साथ आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। और उसी के साथ साथ ये मोबाइल क्वालकॉम ने क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और इसमें जो कि फ्रंट कैमरा होगा जो कि इसकी एक और हाईलाइट होगी वो होगी इसकी, जो कि 25 MP फ्रंट कैमरे के साथ मिल सकता है, या फिर वीवो इसमें डुअल रियर कैमरा भी दे सकता है। और इसी के साथ जो कि इसके एक और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि वो ऐप क्लोन और बाकी तो वीवो का वही है फन टच OS जिसमें मिलता है, और इसमें हमें स्मार्ट स्पीड 3.0 का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। वीवो ने नोगट के साथ ही दे दिया था, बाकी मोबाइल में भी मिल चुका है नोगट के साथ। और इसमें जो कि वीवो का लेटेस्ट वर्जन का फन टच OS 3.2 वो हमें इसमें मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।